हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब? बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया रूम देखना है, रूम कैसा रूम दिखाओ। देखो, हमारा एग्ज़ाम चल रहा था, अभी हमारा जस्ट एग्ज़ाम कंप्लीट ख़त्म हुआ है और कल छुट्टी है संडे, तो मैं सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं, रूम दिखाते तुम लोग। 27 नंबर पर जाते, इसमें है ना बॉस लोग रहते हैं, तो ये बहुत ही मतलब एक बॉस हैं जो काफ़ी अच्छा स्केच बनाते हैं, स्पेशल लोग से मिलाते हैं। ये है, ये हमारे बॉस है, हमारे इमीडिएट सीनियर हैं, अभी इन लोग का फाइनल में है, ये लोग चले जाएंगे। अच्छा। फाइनल एग्जाम हुआ तो इंटरव्यू से में चले जाएंगे। ठीक है। अंकित बॉस हैं, ठीक है, इनसे मिल। ये रोहित बॉस, ये देखो इनका आर्ट वर्क दिखाता हूँ मैं, ये देख रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत खतरनाक दिखाई ना अपना आर्ट। देखो यहाँ लगा हुआ है, ये सारा जो है ना ये बॉस ही बनाए हुए हैं, कितना मस्त बनाया है ना। ये मम्मी है बॉस की, और दिखाता हूँ, और ये देखो ये मृणाल ठाकुर, आपकी फेवरेट है क्या? अच्छी है ना। बॉस का रूम भी साफ सफाई है, मेरा तो बहुत गंदा था, तो ये काफ़ी ये अच्छा, तो ये काफ़ी बड़ा रूम है, इसमें तीन लोग रहते हैं। बॉस का मटका, हाँ मटका यूज करते हैं कि नहीं? वाओ, मटका में पानी रखते हैं, बढ़िया। तो रोहित बॉस, और बॉस और भी स्केच है ना आपका? बहुत, मैं एक बार आया था देखा था, बहुत सारा स्केच था, दिखाइए ना तो और दिखाते हैं बॉस का स्केच। तुम लोग बताना है ना कमेंट में कि बॉस का स्केच अगर बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। मुझे लगता है कि सच में बॉस को वो करना चाहिए, ऑक्शन लगाना चाहिए इसका, काफ़ी पैसा मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। क्या बॉस सोचे कि नहीं इसके बारे में कभी? हॉबी की तरह है तो हॉबी सही है, बट उससे अगर कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्या पता पसंद आए तो पैसा भी आएगा। आ रहा है। एक स्केच बनाए थे 500 आया था। वाह क्या बात है। बॉस को एक स्केच का 500 रुपये मिला था, और बढ़ेगा बॉस, ये हजारों में बिकेंगे, हजार क्या लाखों में जाएगा। आप कंटिन्यू रखिए उसको बस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था सच में। ये देख रहे हो बॉस कितना हिफाज़त के साथ रखे हुए हैं। वाओ ये देखो, ये है कैरेक्टर। अरे भाई क्या बताऊं मैं, मुझे नहीं पता, भूल गया। हाइजनबर्ग, ये हाइजनबर्ग का कैरेक्टर है, बट ब्रेकिंग बैड एक वेब सीरीज है। अच्छा अच्छा, ब्रेकिंग बैड एक कैरेक्टर है, केमिस्ट्री टीचर है बेसिकली। वो काफ़ी अच्छा है, मतलब बनाया, देख रहे हो कितना फाइन, एकदम क्या मस्त, मुझे नहीं है कितना मेहनत लगता होगा। डिटेलिंग जो है बियर्ड का, अच्छा डिटेलिंग है, उस टाइम मेरा बाल का जो हेयर का ड्राइंग था वो वीक था, तो मैं ऐसा पिक्चर के रेफरेंस की तलाश में था जो इसका बाल ही ना ऊपर वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं काफ़ी अच्छा, मैं तो पहली बार देखा था ना आपका इस रूम में लगा हुआ, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि आप ये सब बनाए हुए हैं। ये है और ये की है। ओ ये देखो क्या मस्त है ना, इसको कुछ एक्सप्लेन करेंगे क्या बता रहा है? ये तो सेड्यूसिंग पिक है और कुछ। अच्छा इम्प्रेस हो जाएगी फिर बंदी तो। बढ़िया बस, और बाकी पेंटिंग है, और ये नीचे वाला वो सबसे वो बस खाली फ्रेम है। अच्छा, एक और जो मतलब रफ वर्क है मेरा, वो भी दिखाते हैं, उसमें मिला था, पापा दिए थे गिफ्ट, जब पापा को पहली बार पता चला कि हम स्केच करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बॉस को पापा ने दिया था, जो कि मतलब बहुत ही, देखो लाइट को अभी जाना था, लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया, कोई नहीं बॉस आप दिखाइए। तो ये स्केच बॉस के पापा दिए हैं, जो कि मतलब अभी रिसेंटली नहीं रहे अब, तो इसलिए मैं बहुत पहले ये वीडियो बनाने वाला था बॉस के ऊपर, तो इसलिए नहीं बना पाया था। ये देखो ये फेल आर्ट वर्क है मेरा, अभी ट्राई किए थे लेकिन कुछ, फिर भी फेल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है बॉस, काफ़ी खूबसूरत है। एक ये है जो वाओ, अच्छा अच्छा, कोई स्पेशल वन काफ़ी अच्छा है, वाओ देख रहे हो कितने क्रिएटिव हैं यहाँ पे लोग, बहुत क्रिएटिव लोग हैं, और कुछ गर्ल्स भी हैं जो काफ़ी अच्छा स्केच वगैरह बनाती हैं,
तो बॉयज में तो मैंने इसका बना दिया है थिंकिंग डे ड्रीमर जिसको बोलते हैं, मतलब जो सोए हुए रहते हैं ख्वाब में। और ये हमारे इसे कौन नहीं जानता है, चाबी कहाँ है, मनोज बाजपेयी जानते ना भाई, वही बाप नहीं नहीं सॉरी क्या इसका फेमस डायलॉग गैंग्स ऑफ वासेपुर में, हजरत 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 चाबी का चाबी का। और ये है फेमस क्रिकेटर, फेमस बैडमिंटन प्लेयर। अच्छा क्या नाम है इसका, मैं नहीं जानता हूँ इसको। वाओ ये क्या है, ये इंस्पिरेशन आया मेरे को, वो एक मूवी आई थी उसमें ऐसा ही कुछ था उसका, यूक्रेन वॉर और देखो अगर किसी को है ना, मतलब देखो बॉस का है बहुत अच्छा स्केच बनाते हैं ये, और अगर तुम पैसा दोगे तो और मंदिर लगा के बनाएंगे। नहीं फ्री जो आर्ट है आप तो उस आर्ट को फ्री में नहीं करना चाहिए तो अगर किसी को है ना, तो लोग किसी को चाहिए कोई किसी को बनवाना हो या जो भी आर्ट देखे हो तो अगर चाहिए तो ऑक्शन लगा सकते हो, कमेंट में बोलना कि हमें इतना रुपए में चाहिए, मैं बताऊंगा इतने मिलेगा या नहीं। तो ये है देख लिए, मतलब यही है रूम सब में, हर जगह तुमको सबको यही मिलेगा, एक चेयर एक टेबल और एक बेड मिलेगा और एक अलमीरा मिलेगा। तो रूम देख ही लिए, रूम के अलावा और भी लोगों से भी मिलवा दिया तुम लोगों को, तो लाइट चली गई है और लाइट चली गई है तो इधर से देखो हवा आ सकता है, ये ओपन खिड़की है बड़ा बड़ा ये, ठीक है। तो चलो कुछ और देखते हैं, आ रहे हैं समीर बॉस, ये समीर बॉस हमारे और ये अंकित बॉस, कितना मशलीन हो एकदम, अब इतना पढ़ाई कर रहा है, इतना हमारा एग्जाम चल रहा है फिर भी मैं इतना पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। 1000 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू बॉस, थैंक यू। तो यही है हॉस्टल, ये देखो सामने का सीन है, मतलब खाली एरिया है जो बारिश की वजह से अभी पूरा वो हो रहा है। तो आज का टूर हुआ हॉस्टल का कंप्लीट, और ये है हमारे उदय बॉस, ये भी राजस्थान से है। बॉस बोल दो कैसा लग रहा आपको राजस्थान से बिहार में आना, मतलब मजा आ गया यार, मजा आ गया ना। आप जो आना चाहेगा राजस्थान से उनको क्या बोलोगे, आ जाओ। अरे बढ़िया है ना, केस अच्छा आता है बॉस, किलिंग में बहुत टाइम देते हैं, फाइनल ईयर के अभी इंटर्नशिप में जाने वाले थे, उनको आइडिया है किलिंग का, अच्छा केस आता है ना बॉस, बहुत आता भाई, सीखने को बहुत कुछ है, सीखने को बहुत कुछ है, आ सकते हो आराम से जिसको भी आना है। भाई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा है ना, तुम्हारी मर्जी है। मुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा इसका, कॉलेज सरकारी है, तो अगर आना हो तो आ जाना, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दें। जब से इधर नया रोड बनाया है उसको जोड़ दिया गया है तब से इस रोड में बहुत भीड़ चलती है, अभी सन्नाटा हो रहा है कैंपस, क्योंकि कल छुट्टी है और आज भी छुट्टी था, हमारा एग्जाम था मतलब आज, बाकियों का छुट्टी था तो इसलिए छुट्टी है, एकदम खाली खाली लग रहा है कैंपस, और शाम में 6 बजे के बाद तो खाली खाली लगता ही है ये, ठीक है सब हॉस्टल में चले जाते हैं। और एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ, जो सैटरडे संडे है ना 2 दिन का छुट्टी मिलता है, तो जिसका घर करीब है तो वो घर चला जाएगा, ठीक है, और जिसका घर करीब नहीं है तो अपना ढूंढ लेता है कुछ कैसे टाइम पास करना है, और ढूंढना ही पड़ेगा नहीं तो रूम में सो सो करके बोर हो जाओगे। तो मेरे पास जो है, मैं सो सो के बोर होता ही रहता हूँ मतलब, तो मैं सोचा कि एग्ज़ाम तो हो गया मेरा, अब मैं क्या करूँ, तो फिर मैं वीडियो बनाया तुम लोगों के लिए। और हाँ मेरा जो है ना मन दिल वगैरह सब कुछ यही है, यूट्यूब ही है मेरा, तो तुम लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, मैं और भी अच्छा इन्फॉर्मेटिव और जो भी मतलब मेरे से होगा तो वो अच्छा कंटेंट तुम लोगों के लिए लाता रहूँगा, जो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है, वो किसी वे में होगा, तुम्हारा एकेडमिक से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी 11th 12th के बच्चे हो या नीट ड्रॉपर हो, तो इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। और हाँ तो शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब नहीं करते बहुत सारे लोग देख लेते हैं और देख के निकल जाता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। यही है हमारा, दो हवा अच्छी चल रही है मस्त, ये लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे जो है वो था क्लिनिकल डिपार्टमेंट था, तो वो सब टूट गया है तो काम चल रहा है, देख लो चार कर। तो मिल गया हमें कौन, ये है धीरज और ये है नेहा,
क्या कर रहे हो तुम लोग इधर कैंटीन से आ रहे हो? हाँ, ये मेरी आइसक्रीम पार्टनर है। आइसक्रीम खिलाएगा या तुम खिलाएगा? मुझे कब खिलाएगा? मुझे कब खिलाएगा? तुम कब खिला रहा है हमको? कल क्या बोल रहा था कि पनीर रोल खिलाएंगे। पनीर रोल खिलाएंगे? कितना शानदार लग रहा है ना। ये है बॉस से, देखो बॉस से मिलाते चलो। ये सारे बॉस इंटर्नशिप में हैं, तो इन बॉस में कवर कर चुका हूँ। ये जो आज बॉस है, मधुदर्शी बॉस है, और ये अभिजीत बॉस है, ये गोविंद बॉस है। और बॉस कैसा क्या आप लोग का आईसीआर का एग्जाम? बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आईसीआर में कितना कट ऑफ वगैरह जाता है क्लिनिकल वगैरह का, आपको कुछ आइडिया है बॉस कितना इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा? ये भी बॉस आएंगे तो क्या कितना 250 से ऊपर किलिंग मिल जाएगा, है ना? आईसीआर वाले के लिए। तो जो लोग पीजी में आना चाहते हैं यहाँ पे, तो अगर आपका 250 से ऊपर मार्क्स है तो मिल जाएगा, है ना? क्लिनिकल डिपार्टमेंट टीवी बनेगा। और बस कैसा है मस्त बाकी सब? इंटर्नशिप कैसा चल रहा है आप लोग का? बहुत अच्छा चल रहा है। सारे 5 साल का कोर्स है। आई थिंक मेरे ख्याल से जो इंटर्नशिप वाला ये फेज है सबसे अच्छा होता है ना, सबसे ज्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, पूरा बादल उधर लगा हुआ है। तो यही है, ठीक है। ये है पीजी का हॉस्टल, हॉस्टल नंबर 1। यहाँ पे आने के बाद लोग जॉब में चले जाते हैं इस बिल्डिंग में से निकल के, ठीक है। इसका रूम बहुत छोटा छोटा है। ये पेड़ कितना खूबसूरत लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। ये भी गेट है यहाँ पे, लेकिन सब बंद रखते लेंगे तो एंड तक। तो ये तीन हो, मतलब बीच हॉस्टल नंबर सेकेंड है, फिर लास्ट में हॉस्टल नंबर। और इसमें पीजी पीएचडी इंटर्नशिप वाले लोग रहते हैं, फिर जो हॉस्टल नंबर सेकेंड है, सेकेंड में थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले बच्चे रहते हैं, फिर जो फर्स्ट है उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे रहते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है, बात करें सब। हवा अच्छी चल रही है अभी। पता था कि वीडियो बनने वाला है, इसलिए वीडियो बना लेता है, इसलिए सामने हमेशा बिलाल है, इसीलिए आ गए थे कुछ टाइम के लिए। ये मेरा रूम है, गंदा सा, ठीक है। और ये टेबल है, चेयर है, मेरा सेटअप वहाँ पे, मैं बैठ के वीडियो शूट करता हूँ। और ये एक अलमीरा मिलेगा, ठीक है, एक टेबल, यही सब है। तो अलमीरा मिलेगा, अलमीरा अच्छा है, इसमें सामान वगैरह रख सकते हो। और टेबल चेयर है, ये कवर्ड है जो कि मतलब काम का नहीं है। इसके अंदर देखो चूहा का घर बन चुका है, नीचे चूहा से ये कर दिया था, काफ़ी पुराना है ना, तो फिर उसको वो करके रखना पड़ता है, मतलब सामान को हिफाजत रखना पड़ता है। इसमें रख सकते हो,